कलकत्ता जब खाली खाली हो तो वीडियो बनाने का मज़ा ही अलग होता है। आज तो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल और ये सब पॉसिबल है। छुट्टी है आज तो मैं अब बड़ा बाजार से वापस न जाके दूसरे रोड से जा रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो बना देता हूँ ताकि आपको भी देख सके जब खाली खाली मार्केट होता है तो कितना अजीब सा लगता है। बिल्कुल मैं तो बोलता हूँ अगर आप कहीं से कलकत्ता आते हैं तो एक दो दिन टाइम निकाल के प्लीज़ घूमिए। कलकत्ता घूमने का मज़ा ही अलग है। मैं तो बहुत जगह घूमा हूँ लेकिन एक कलकत्ता बिल्कुल दिल से मुझे अच्छा लगता है। यहाँ का खान पान, बिल्डिंगें, रहन सहन और सबसे अच्छी बात की तो अगर आप कभी भी आते हैं कलकत्ता तो एक बार एक दो दिन टाइम निकाल के घूमिए। कलकत्ता का अपना एक अलग ही रौनक है। जहाँ भी जाऊँगा आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए मैं ऐसी ऐसी वीडियो बना सकूँ। अब ये बिल्डिंग देखिए कितना बहुत पुरानी बिल्डिंग है। आज खाली खाली ये नहीं तो इस रोड पे चलने के लिए आपको बिल्कुल जगह नहीं मिलता है। कोशिश करता हूँ हावड़ा स्टेशन पैदल ही जाने के लिए ताकि आप वीडियो में कुछ देख सकें। मैं कौन से रास्ते से जा रहा हूँ और किधर जा रहा हूँ इतना तो पता है, स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन मुझे रास्तों का नाम पता नहीं है कौन से रास्ते से जा रहा हूँ। अगर आप कोलकाता से हैं तो बिल्कुल इन जगहों को पहचानते होंगे। कैमरा बैक करता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। मुझे तो कभी कभी ऐसा देख के लग रहा है कि आदमी ज़्यादा गाड़ी होगा यहाँ पे, लेकिन नहीं, आदमी ज़्यादा हैं। एक दो दुकानें खुली हुई हैं, बाकी लोग सभी घूमने में मस्त है। आज घूम रहे होंगे या आराम कर रहे होंगे। अब उस रोड में जाना है कि मैं इस रोड में जाऊँगा जो कि बाबू घाट की तरफ से आता है। सभी लोग रेस्ट में हैं। गाड़ी देखिए आप, एक भी जगह खाली नहीं है। लेकिन इसी महानगर के बीच में कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, इनका लाइफ देख के यार कसम से, इनकी लाइफ देख के बहुत ही दर्द होता है। पता नहीं कैसे सरवाइव करते होंगे, क्या करते होंगे।